अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सबा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज भी मैं आपके लिए एक अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। एक्चुअली मैंने जो है मिस रोज से प्रोडक्ट कुछ बाय किए हैं, वो मेरा पार्सल आ भी गया था बट मेरी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं सकी। सो फाइनली मैंने वीडियो आपके लिए रेडी कर ली है और ये है मिस रोज़ का मेरा पार्सल जो कि मुझे रिसीव हुआ है, जो इस तरह से पैकिंग में आया है। पैकिंग बहुत अमेजिंग है, प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी से उन्होंने रैप करी हैं, आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीक़े से इन लोगों ने रैप किया है। तो सो मैं इसको ओपन करती हूँ, जल्दी से हम इसे ओपन करते हैं। और ये मेरा इतना अमेजिंग सा पार्सल है ना, मुझे देखते ही बहुत खुशी हुई थी जब ये मैंने अनरैप किया था, तो मुझे मतलब मेरे मुंह से एकदम से निकलता वाओ कि कितना ज़बरदस्त है मिस रोज़ की ये प्रोडक्ट्स हैं। मुझे देखते ही ऐसे ही पैकिंग में इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, मैंने ये अपने सारे प्रोडक्ट्स जो लिए हैं। सो मैं आपको अब ये वन बाय वन दिखाती हूँ इसको ओपन करके कैसा है ये, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है मिस रोज़ का फ्लॉलेस फाउंडेशन जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है और ये नंबर है, मैंने BH2 मंगवाया है इसके लिए क्योंकि मेरी स्किन से ये मैच तो नहीं करता, मैंने अपनी स्किन से डार्कर मंगवाया है इसको। बेसिकली मैं इससे थोड़ी सी अपनी कंटूरिंग करूँगी। सो आप ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या इस तरह से है कुछ, और ये बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने इसकी ट्यूब बनाई है जो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई है। और मैं आपको इस इन्होंने जो है अपने जितनी बॉक्सेज उन्होंने एक्सपायरी डेट भी मैंशन की हुई है, और ये देख लीजिए आप, ये है BH2 नंबर। बेसिकली मैंने अपना थोड़ा सा कंटूर करने के लिए अपना फाउंडेशन का मिक्स मैच करके मैं अपना फाउंडेशन बनाऊंगी इससे। तो ये देख लीजिए कि मैं आपको इनका एक स्वैच दिखा रही हूँ और ये बहुत अच्छी है, ये फ्लॉलेस है, ये बहुत लाइट वेट है। पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने इसको चेक करा है, और आप इसको डेली वेयर पर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आउट गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, और अगर यूनिवर्सिटी गोइंग है तो और जॉब करती हैं तो ये बहुत अच्छी आपकी कवरेज देती है, लाइट वेट होती है और लाइट से कवरेज देती है। और आप इसको पार्टीज में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ड्यूबी लुक देना है तो। सो ये आ जाते हैं, ये मैंने दूसरी की मैट फाउंडेशन मंगवाई है, ये भी मैंने BH2 मंगवाई है और आप देख सकते हैं इसकी भी एक्सपायरी मैंशन हुई हुई इनके बॉक्स पर। सो बहुत अच्छी बात है कि हम चेक कर सकते हैं ईजीली। और ये कुछ इस तरह से दिखती है इनकी बॉटल, 30 ml की इनकी बॉटल है और ये भी BH2 है, ये मैट में है, वो फ्लॉलेस थी, थोड़ी सी शाइन है उसमें, ये बिल्कुल मैट है। सो इसका स्वैच मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। आप इसको देखिए, चेक करें आप, वाओ, ये उससे हैवी कवरेज के लिए है और कलर दोनों का सेम है बट ये थोड़ा सा पार्टी वेयर के लिए आ जाती है, वो ड्यूई लुक के लिए है और ये पार्टी वेयर के लिए है। और ये भी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है, बहुत अमेजिंग लगी है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड ये फाउंडेशन मैंने मंगवाई थी मिस रोज़ की, ये भी फुल कवरेज फाउंडेशन मैंने इनकी ऑर्डर की है, इसमें भी इनकी मैंशन है एक्सपायर्ड। ये IV6 मैंने मंगवाई है, बेसिकली दिस इज़ माई कलर और आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना, बस मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि ये तो आप ऑर्डर कर ही लें इनका ना, ये इतनी ज़बरदस्त फाउंडेशन है इनकी। और बेसिकली मेरी ये मैच करती है मेरी स्किन टाइप की है, तो अगर आपकी स्किन में मैच करती है बेज तो आप बेज डेफिनेटली ऑर्डर करें। और ये देखें, मैं आपको इसका भी स्वैच दिखाती हूँ, ये मैंने जस्ट इनका एक पंप लिया है, तीनों बॉटल्स का मैंने पंप लिया और आप ये देखें, दिस इज़ वाओ, व्हाट अ फाउंडेशन, यू कैन सी दिस, इट्स वेरी वेरी हैवी और मैंने सिर्फ इसका एक पंप लिया है। और मैंने जब ये स्वैच दिखाया था आपको तो उसके बाद मैंने अपने फेस पर भी इसको अप्लाई कर लिया था। ये इतना औसम है इनका फाउंडेशन कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग सब इसको ज़रूर बाय करें। ये देख लीजिए आप, और मैंने इसको ब्लेंड करा है। अच्छा, अब मैं आपको दिखा दी हूँ जिस तरह मैं अपना मैच करूँगी, मैं अपने आईवरी के साथ इनका बेज को जिस तरह से मैं अपना वो बनाऊँगी फाउंडेशन, ये देख लीजिए।
बेज के ऊपर आइवरी मैन का, यही वाला आइवरी मैन का आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए कितना कितना प्यारा लुक आया। और उसके ऊपर हम अपना पाउडरिंग करेंगे, जब हम उससे अपना कॉम्पैक्ट लगाएंगे या लूज़ पाउडर कुछ भी लगाना हो हम लगाएंगे, तो ये इतनी प्यारी फाउंडेशन बनी है। ये मैंने यूज़ भी कर लिया है, ये बहुत औसम है। सो ये देख लीजिए, उसके बाद मैंने ये इनकी ऑर्डर की थी मिस रोज़ की, ये ग्लॉस, और ये मुझे अराउंड 225 या 230 की पड़ी आई गेस, मुझे याद नहीं है सही से। सारे प्रोडक्ट बहुत रीज़नेबल हैं, तो ये तो मैंने ऐसे ही कर ली थी क्योंकि मुझे, मेरे पास कोई ग्लॉस नहीं था, मुझे ट्रांसपेरेंट ग्लॉस की नीड थी। तो मैंने जब इनका ये यूज़ किया, इसका 30 नंबर है, और ये इतना कोई अच्छा है कि ये आपकी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। किसी भी आप इसको लिपस्टिक पे अपनी, जैसे कि मडोरा वगैरह पे भी आप अगर लगाएंगे, तो ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग कर देगा आपकी लिपस्टिक को कि बस कमाल ही है भाई, कमाल है। उसके बाद मैंने ये पैलेट, अपनी 18 कलर पैलेट लिपस्टिक किट मैंने ऑर्डर की थी, इनकी भी देख लें आप, ये एक्सपायरी मेंशन है। और ये देख लीजिए भाई, ये कोई इतने ज़बरदस्त शेड्स मुझे मिलेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली मेरा एक पार्लर है घर के अंदर, तो मैं अपनी जितनी भी क्लाइंट्स होती हैं उनको, मुझे काफ़ी सारे मुझे चेना शेड्स चाहिए होते हैं अलग से, मुझे उनको बनाने के लिए, क्योंकि किसी को डार्क पसंद है, किसी को लाइट पसंद है, किसी का कलर मैच करके, मिक्स एंड मैच करके बनाना पड़ता है। सो फाइनली मैंने ये इनकी ऑर्डर कर दी, ये वाली किट, और ये इतने इसमें लाइट शेड और डार्क शेड कम्बाइंड दिए मैं कि इतनी ज़बरदस्त है ये कि मैं हैरान रह गई कि इन्होंने इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स इतनी लो प्राइस में निकाली हुई है। सो भाई मैं तो इनकी फ़ैन हो गई हूँ, सीरियसली ये बहुत अच्छे हैं। ये आपको मैं स्वेच दिखाती हूँ, ये जो कलर एक्चुअली यहाँ पर है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लॉसी में है, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मैट हो जाता है। इतना हाईली मैट नहीं, इतना ज़्यादा मैट नहीं होता है, बट ये बहुत 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 अच्छा लुक देता है। इसके कुछ कलर्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अपने क्लाइंट्स भी मैंने यूज़ करे हैं, और ये फाउंडेशन भी मैं पर्सनली अपने यूज़ कर चुकी हूँ, और इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। सो ये थी मेरी अब तक की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।